अभी देखो यहां पर क्वेश्चन, देखो मैंने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है 66 इंटू 6। तो सबसे पहले हमको देखना है डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले करेंगे 6 इंटू 6, दिस इज फर्स्ट डायरेक्शन। तो 6 इंटू 6 कितना होता है? 36। तो पहला आंसर मिला 36। सेकेंड डायरेक्शन, ये इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कितना है? 6 इंटू 6, आंसर इज 36। ये हो गया डायरेक्शन। अब दूसरा रूल है, वो है रॉड सेटिंग। रॉड सेटिंग, तो पहला आंसर जो भी आया है, दिस इज फर्स्ट आंसर, दिस इज सेकेंड आंसर, पहले आंसर को थर्ड रॉड पर सेट करेंगे और सेकेंड आंसर को सेकेंड रॉड से ऐड करेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, तो मैंने पहला आंसर देखो यहां बिकस पे 36, थर्ड रॉड से माने 100 रॉड से ऐड किया, और सेकेंड आंसर सेकेंड रॉड से ऐड करेंगे माने 10th रॉड से 36। आंसर इज 396। ओके, 396 इज द राइट आंसर। ओके, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान देंगे। हाँ, एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी मैंने ये फिक्स नंबर लिया था, अभी मैं मिक्स नंबर लेता हूं, ठीक है। मिक्स नंबर में जैसे मैंने एक नंबर लिया 78 इंटू 4, 78 इंटू 4 लिया, तो 78 इंटू 4 डायरेक्शन देखेंगे। पहले हम करेंगे 7 इंटू 4, फर्स्ट डायरेक्शन 7 इंटू 4 होता है 28, और फिर सेकेंड डायरेक्शन 8 इंटू 4, तो 8 इंटू 4 का आंसर आया हमारे पास 32, है ना। अब पहला इसका रॉड सेटिंग करेंगे, तो 28 को, ये मैंने देखो 100 रॉड बनाया, थर्ड रॉड इट इज यूनिट रॉड, 28 को हमको सेट करना है यहां और 32 को ऐड करना है सेकेंड रॉड से। इसको अबेकस पे कैसे करेंगे, देखो 28 और प्लस 32, 10th रॉड से प्लस 32 का, प्लस 3 का फार्मूला लगेगा, माइनस 7 प्लस 10 और 2, सो फाइनल आंसर इज 312। सो 312 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन का और देखेंगे, एक क्वेश्चन और चेक करेंगे, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, वन मोर एग्जांपल। हाँ, अभी मैं ले रहा हूं, यहां पर देखो 98 इंटू 7, तो सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे, लेफ्ट टू राइट 9 इंटू 7 फर्स्ट मूव, फिर 8 इंटू 7 दैट इज सेकेंड मूव। 9 इंटू 7 का आंसर होता है 63, 8 इंटू 7 का आंसर होता है 56। अब देखो 63 को रॉड सेटिंग करेंगे, 100 रॉड से 63 और 56 को 10th रॉड से 56, सो फाइनल आंसर इज 686। सो 686 इज द राइट आंसर। समझ में आया मेरी बात? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ,